हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरोडैक्टिपल टू। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूं एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि थर्ड पार्टी का आपको लेकर क्या सोचना है। ये जो भी आज रीडिंग करी जा रही है, ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि ये रीडिंग कौन कौन देखेगा। एज इन कि अगर आपके बारे में, आपके पर्सन के बारे में, आप लोगों के केस में जो भी थर्ड पार्टी है उसे पता है, तभी आप ये रीडिंग देखेंगे। दूसरी चीज़, अगर आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता है तभी आप ये रीडिंग देखेंगे, यानी कि डाउट के बेसिस पर ये रीडिंग नहीं है किसी के लिए भी। और आज हमारी रीडिंग का टॉपिक यही है कि अगर थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता है, आप दोनों के बीच के रिश्ते के बारे में पता है, तो उसका आपको लेकर अब करंट में क्या सोचना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं और जान लेते हैं। बस फोकस बनाए रखिएगा रीडिंग पर, इधर उधर नहीं देखिएगा, और साथ में ना पूरी रीडिंग देखा कीजिएगा, क्योंकि डाउट्स ना यहीं पर क्लियर होते हैं। उसके अलग देखिए, मैं ईमेल का जवाब बिल्कुल देती हूँ। काफ़ी लोग ना कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि मेल करा, जवाब नहीं दिया एंड ऑल। देखिए, मैं यहाँ पर आपको चैनल पे भी रीडिंग प्रोवाइड करा रही हूँ, दूसरे चैनल पे भी रीडिंग प्रोवाइड करा रही हूँ, पर्सनल रीडिंग भी कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली मैं हर वक्त अवेलेबल नहीं हो सकती आपको मेल करने के लिए। जब भी मुझे वक्त मिलता है, मैं डेफिनेटली आपको उस मेल का जवाब देती हूँ। आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मैं आपको मेल के थ्रू ही मिलूँगी, ठीक है। आपको मेल के थ्रू ही मुझ तक रीच आउट करना होगा। उसके अलग मेरा कोई भी नंबर नहीं है। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट एंड रिपीट आपको बताती हूँ ताकि आप धोखा ना खा जाएं। अगर आपको कमेंट बॉक्स में मेरे नाम से या मेरे फोटो लगे हुए उससे कोई भी कमेंट आता है कि जी यहाँ पे संपर्क कीजिएगा, मैम मिल जाएंगी, मुझसे व्हाट्सएप कीजिएगा, तो उस पर भरोसा मत कीजिएगा, वो मैं नहीं हूँ। मेरे चैनल के नाम के आगे टिक का निशान, राइट का निशान बनकर आएगा, वो एक्चुअली में ओरिजिनल चैनल है, ठीक है। उसके अलग किसी भी नाम से, किसी भी फ़ोटो से, डीपी से आपके पास अगर कोई कमेंट आता है कि भाई यहाँ पे रीच आउट कीजिए, यहाँ पे नंबर पे बात कीजिए, मैम मिल जाएंगी, तो उन पर आपको भरोसा नहीं करना है। आपको फिर भी करना है तो ये मत सोचकर करना कि वहाँ पे मैं पल्लवी मैम मिल जाएंगी, पल्लवी दीदी मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये मैं आपको वॉर्न कर रही हूँ अगेन, हालाँकि मैं हर वीडियो में आपको वहाँ पर बोला भी जाता है, फिर भी आपको एक बार क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए, कनेक्ट कर पाएँ, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच सके। चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और ग्रेटिट्यूड ज़रूर दें उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। जो भी रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का या लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। कहीं कहीं पर आपको एनर्जीज वाइस वर्सा लगेंगी, यानी कि पॉसिबिलिटी है आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जीज आपकी ही हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती रहती है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको अगर, तो आपको एक ईमेल आईडी दिखाई देगी, hindi2@gmail.com, तो उसके माध्यम से आप मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलग मेरा कोई और पर्सनल नंबर नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं अब इस थर्ड पार्टी का एक्चुअली में आपको लेकर क्या सोचना है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए इस थर्ड पार्टी का व्यूअर्स को लेकर क्या सोचना है। टीच, ट्रस्ट, सैडनेस एंड आइसोलेशंस, सीक द ट्रूथ, स्ट्रेंथ बॉन्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक है कन्फ्रंट। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए थर्ड पार्टी का व्यूअर्स को लेकर करंट में क्या सोचना है। क्वेस्ट, रिलीज, ग्रेटिट्यूड, आइसोलेशंस, प्रिजर्वरेंस एंड बॉटम ऑफ द डेक है इंसेंस्ड, ठीक है।
देखिए, जो एनर्जीज आपको बताई जा रही हैं वो आपकी होगी या आप लोगों के केस में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी होगी, और आपके पर्सन की भी हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप तीनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हो और तीनों के बारे में ही कहीं ना कहीं यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। यहाँ पर जो मेजरली स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। यहाँ पर आपकी टॉरस की एनर्जी, एक्वेरियस की एनर्जी और यहाँ पे आपकी आई है पाइसेस की एनर्जी। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज़, थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपके बारे में ये तो सोचती है कि आप बहुत मैच्योर एनर्जी हो, एज एन आप बहुत कुछ सीख चुके हो या आपने अपनी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत कुछ सीख रखा है, तो थर्ड पार्टी आपको लेकर ये सोचती है एज एन आपके पर्सन, जैसे कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें इमैच्योरिटी के चलते कर देते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी ये जानती है कि आप एक मैच्योर एनर्जी हो, काफ़ी ज्ञान है आपको, लाइफ से आपने बहुत कुछ ऑलरेडी सीख लिया है। ठीक है, आपको पता है कि किस चीज़ पर भरोसा करना है और किस चीज़ को आपको अल्टीमेटली छोड़ देना है, एज एन आपको ना अपने आप पर पूरा भरोसा है, ऐसा इस थर्ड पार्टी को लगता है आपको लेकर। थर्ड पार्टी ये जानती है कि आपको उसकी सारी असलियत पता है, उसके सारे चेहरों को आप अच्छा खासा जानते हो, आपको पता है कि थर्ड पार्टी कितने चेहरे लेकर बैठी है, कितने राज लेकर बैठी है, वो सब चीज़ें आपको अच्छी खासी पता हैं। थर्ड पार्टी आपके दुख को, दर्द को, पेन को, इन सब को बहुत अच्छे से जानती है कि आप भले से ऊपर ऊपर से कुछ भी दिखा रहे हो, भले ऊपर से दिखा रहे हो कि आप स्ट्रांग हो, मजबूत हो, आपको जो भी चाहिए था वो मिला है या आप खुश होकर दिखा रहे हो, लेकिन अंदर से जो आपके एक खालीपन है, एक घुटन है, एक परेशानी है, वो चीज़ें थर्ड पार्टी को पता है, एज एन वो जानती है कि आप अंदर से कितने खोखले हो चुके हो, कितने परेशान हो चुके हो, और इवन इसे ये भी पता है कि आपको इस वक्त में कोई रास्ता भी नहीं मिल पा रहा है कि कैसे आप अपनी इस चीज़ों को सॉल्व करो। ठीक है, थर्ड पार्टी ने ही क्योंकि वो रास्ते एक्चुअली में बंद करे हैं, लेकिन हाँ, आप जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुली खड़े हो, उससे फाइट कर रहे हो, या उसे ये जाहिर अपनी साइड से नहीं कर रहे हो, मुंह पर तो एटलीस्ट नहीं बोल रहे हो कि आप कमज़ोर पड़ रहे हो, आप अंदर से खाली हो रहे हो, तो वो चीज़ें ना इस थर्ड पार्टी को काफ़ी डिस्टर्ब कर देती हैं, वो चीज़ें ना इस थर्ड पार्टी की जो पावर है उसे वीक कर देती हैं, ये यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। एज एन थर्ड पार्टी ये समझ रही है कि आप परेशान हो, लेकिन वो आपके मुंह से सुनना चाह रही है और आप अपने मुंह से नहीं बोल रहे हो, तो वो चीज़ें थर्ड पार्टी के सारे भी इंटेंशंस को, सारे इरादों को कहीं ना कहीं कम कर रही है या इनकी पावर को कम कर रही है, ये यहाँ पर है। ठीक है, उसके अलग यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जो आपके मन में एक दर्द है, जो आपके मन में एक अफसोस है कि आप अपने पर्सन के लिए कुछ नहीं कर पाए या आपके पर्सन आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, जो बेसिकली आपके पर्सन भी नहीं देख पा रहे हैं, वो ये थर्ड पार्टी देख रही है कि आप कितने ज़्यादा दर्द में, कितने अफसोस में आप हो। ठीक है, आपको थर्ड पार्टी का हर एक रूप, रंग, इसकी, इसके डार्क सीक्रेट्स, इसकी सच्चाइयाँ सब पता है, और थर्ड पार्टी को उस चीज़ का हमेशा डर बना रहता है कि कहीं आप इसके वो गहरे राज खोल ना दो किसी भी तरीके से, या आपके माध्यम से ही वो राज इसके खुल ना जाएं, तो उस चीज़ का डर इस थर्ड पार्टी को अक्सर बना रहता है आपको लेकर। ठीक है, कि आप ना खोल दो वो चीज़ें ना, इसके अंतरात्मा को, इस थर्ड पार्टी की अंतरात्मा को कहीं ना कहीं झंझोड़ती हैं या इसे घबराहट फील कराती हैं कि कहीं आप इसके राज ना खोल दो, और इसी रीज़न की वजह से ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा अवेयर रहती है, बहुत ज़्यादा अलर्ट रहती है आपके हर एक जेस्चर को लेकर, हर एक एक्शंस को लेकर कि भाई आप क्या कर रहे हो, आपका क्या एक्शन है, क्या नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी ये जानती है आप उन इंसानों में से नहीं हो जो एक बार रिश्ता बनाने के बाद रिश्ते को तुरंत रिलीज़ कर दे। आप एक बार भरोसा बनाते हो तो अपने भरोसे को बनाए रखने के लिए आप कुछ भी कर गुजरते हो, आप उस रिश्ते को बनाए रखने के लिए कुछ भी कर गुजरते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें थर्ड पार्टी आपके बारे में अच्छे से जानती है, और शायद ये चीज़ें ना थर्ड पार्टी तो जानती है, शायद ये चीज़ें ना आपके पर्सन नहीं जानते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इमैच्योर एनर्जी में रहे हैं शुरुआत से।
ठीक है, और थर्ड पार्टी जानती है आपको लेकर, आप वो एनर्जी नहीं हो, आप मैच्योर एनर्जी हो, इसका आपको लेकर ये सोचना है। चलिए और देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए थर्ड पार्टी का व्यूअर्स को लेकर करंट में आप क्या सोचना है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। थर्ड पार्टी ये जानती है कि आपने भले कम सीखा है या आपका अपनी लाइफ को लेकर एक्सपीरियंस कम है इस थर्ड पार्टी के मुकाबले, लेकिन जितना भी है ना वो मॉडर्न है, एज एन वो अलग है थर्ड पार्टी से, ठीक है। आप एक ऐसी सोच रखते हो जो आज की जनरेशन को मैच खाता है, थर्ड पार्टी की तरह नहीं है, और उसी चीज़ से कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को आपको लेकर डर लगा रहता है कि आपकी ये नई सोच, नया तरीका कहीं ना कहीं आपके लिए रास्ता ना बना जाए या कहीं ना कहीं इसके लिए रास्ते बंद ना कर जाए। इसीलिए थर्ड पार्टी ना मोस्ट ऑफ द टाइम अपने आप को आपसे अलग थलग रखती है या अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। काफ़ी लोगों का सवाल है कि भाई थर्ड पार्टी मेल है या फीमेल। भाई आपको अगर यही नहीं पता कि आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी मेल है या फीमेल, तो आप ये रीडिंग क्यों देख रहे हो? डाउट के बेसिस पर रीडिंग नहीं होती है। मैं सिर्फ एनर्जी पढ़ती हूँ, यहाँ पर मैं जेंडर नहीं पढ़ती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है कि भाई मेल है फीमेल है, तो फिर ऑब्वियसली आप कैसे इस रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे? फालतू के सवाल पूछना आसान होता है, लेकिन उसके पीछे की गहराई जानना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो समझिएगा, एनर्जी पढ़ी जा रही है, थर्ड पार्टी एनर्जी ये पढ़ी जा रही है, इसीलिए उसे फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चला जा रहा है, ठीक है। आपको पता होगा कि भाई मेरे केस में कौन है, कौन मेरे पर्सन को मेरे अगेंस्ट कर रही है या कर रहा है, उसी हिसाब से आपको रीडिंग को लेना है। तो थर्ड पार्टी जो भी है ना आप लोगों के केस में, बेसिकली वो अपने आप को सेफ और सिक्योर करके चल रही है, लगातार आपके सामने ज़्यादा आ ही नहीं रही है या बहुत सीक्रेटिवली चीज़ें करते हुए यहाँ पर दिख रही है। उसको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी एनर्जी हो, एक ऐसी सोच हो, एक ऐसी सोल हो जो कभी भी गिव अप नहीं करती, कभी भी हार नहीं मानती। जैसे कहते हैं ना कि कछुआ धीरे 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 चलता रहता है और अंत में आकर जीत जाता है, और उसकी वजह है उसने हार नहीं मानी। तो थर्ड पार्टी आपको लेकर ये सोचती है, समझती है, जानती है कि आप एक ऐसी सोल हो, ऐसी एनर्जी हो जो कभी भी हार नहीं मानते, और यही चीज़ें इसे एक ना एक दिन हरा कर रहेंगी, इसके रास्तों को बंद करेंगी। इसी रीज़न की वजह से अपने आप को गार्ड करे रखती है, ये एनर्जी क्लियरली यहाँ पर दिख रही है। गाइड कीजिए, बताइए थर्ड पार्टी का व्यूअर्स को लेकर करंट में क्या सोचना है, गाइड कीजिए बताइए यूनिवर्स। थर्ड पार्टी का व्यूअर्स को लेकर करंट में सोचना क्या है? द मैजिशियन एंड बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार, उल्टा डेक पकड़ा है। देखो बेसिकली थर्ड पार्टी को पता है आपके मामले में कि आप ना एक ऐसे पर्सन हो जो सब में घुलकर मिलकर रह सकते हो, एज एन आप ऐसे इंसान नहीं हो जो बुरा वक्त आए तो छोड़कर चले जाओगे, चैलेंजेस आए तो छोड़कर चले जाओगे। आप एक ऐसे पर्सन हो जो एक गुफा में भी रोशनी का काम कर सकते हो, एज एन आप किसी भी इंसान को बीच रास्ते में छोड़ने वाले नहीं हो, अपने भरोसे को तोड़ने वाले नहीं हो, या उसने जो आप पर एक वक्त पे भरोसा करा है उससे तोड़ने वाले नहीं हो। लेकिन इस थर्ड पार्टी ने ऐसा काम आप लोगों के केस में ज़रूर से करा है, उसने कुछ ऐसा मैजिक, कुछ ऐसी मैन्युपुलेटिव बातें यहाँ पर सर्व करी हैं, जिस रीज़न की वजह से आप लोगों के रिश्ते में, आपके पर्सन और आपके बीच के रिश्ते में ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं। तो थर्ड पार्टी ये जानती है कि भरोसा तोड़ने वाले आप नहीं हो, ये है, ठीक है, क्योंकि आप ऐसे इंसान नहीं हो। थर्ड पार्टी को अपनी सारी चालाकियां पता है और उस चीज़ का से डर भी है कि आप इसकी चालाकियों को खोलना दो ओपनली इसके पर्सन के सामने, या जो भी आप लोगों के केस में पार्टनर हैं उनके सामने ना लेकर आ जाओ, उसमें आपको सक्सेस ना मिल जाए। तो उस चीज़ का डर, उस चीज़ की इनसिक्योरिटीज थर्ड पार्टी के मन में आपको लेकर अक्सर चला करती है, ये है।
सैडनेस एंड आइसोलेशन के मामले में गाइड कीजिए, बताइए थर्ड पार्टी का व्यूअर्स को लेकर करंट में क्या सोचना है, गाइड कीजिए बताइए। द लवर्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी जानती है आपके पर्सन और आपके बीच का रिश्ता क्या है, आप लोग एक दूसरे से सोल लेवल तक कनेक्टेड हो, आपके ऊपर यूनिवर्स का डिवाइन का हाथ है, तभी इस थर्ड पार्टी के इतने साम दाम दंड भेद इतनी चीज़ें करने के बावजूद भी ये आप दोनों को दिल से अलग नहीं कर पाई है, उस चीज़ का दुख इस थर्ड पार्टी के मन में रहता है। थर्ड पार्टी को ये चीज़ों का डर रहता है कि आपके पर्सन को अगर समझ में आ गया ना कि आप दोनों के बीच का क्या रिश्ता है, तो आपके पर्सन इस रिश्ते को पाने के लिए तुरंत भाग जाएंगे, तुरंत दौड़ पड़ेंगे आपकी तरफ अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए, आपको वापस से अपनी लाइफ में लेकर आने के लिए। उस चीज़ को लेकर इस थर्ड पार्टी के मन में घबराहट रहती है, उस चीज़ को लेकर थर्ड पार्टी के मन में बेचैनी रहती है। उसको ये लगता है कि आपने इस इंसान से सच्चा प्यार करा, भले इसने ये चीज़ें यहाँ पर तहस नहस करी हैं, लेकिन आपने क्योंकि सच्चा प्यार किया, इसी रीज़न की वजह से आप आगे मूव भी नहीं कर पा रहे हो, किसी और रिश्ते में नहीं जा पा रहे हो, और इवन आप ऐसी एनर्जी में हो, ऐसे हालातों में हो जिसे आपके पर्सन भी नहीं देख पा रहे हैं। तो थर्ड पार्टी बेसिकली समझ रही है आप किन हालातों में हो, किस हालात से आप गुजर रहे हो, वो सब चीज़ें थर्ड पार्टी अच्छे से जानती है कि आपने इनसे सच्चा प्यार करा है। ठीक है, सीक द ट्रुथ के मामले में गाइड कीजिए, बताइए थर्ड पार्टी का व्यूअर्स को लेकर क्या सोचना है, करंट में क्या सोच रही है, गाइड कीजिए। द हाई प्रीस्टेस एंड बॉटम ऑफ द डेक है ईगो। ठीक है, देखो सच्चाई जिसके बारे में बहुत देर से पता चल रही है, तो वो है कि जो भी थर्ड पार्टी अपना गेम प्लॉट कर रही है, जो भी आपके पर्सन को आपके अगेंस्ट कर रही है, वो काफ़ी मिस्टीरियस एनर्जी में कर रही है जिसके बारे में आपको पता है। थर्ड पार्टी जो भी कर रही है, जिस भी वे में कर रही है, जिस भी इंटेंशन में कर रही है, आपको वो भी पता है। एज एन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी है इसकी, बहुत ईगोइस्टिक है, अपने ईगो के आगे किसी की फीलिंग्स इमोशंस जज्बात ये नहीं देखती है, खुशियाँ नहीं देखती है, तो आपको इन सब चीज़ों की अच्छी खासी जानकारी है। जैसे यहाँ पे है ना कि आपको सच्चाई पता है, ठीक है, आपको इसका इंटेंशन पता है थर्ड पार्टी का, और उस चीज़ को लेकर थर्ड पार्टी के मन में एक डर रहता है कि कहीं आप ये सारे राज पर्दे के पीछे खोल कर ना रख दो। अगर आपने ये सारे राज खोल दिए ना, तो आपके पर्सन जिसे इसने जंजीरों में बांध कर रख रखा है, आप इन्हें ले जाओगे। एज एन ईगो यहाँ पर आपके पर्सन का नहीं है, थर्ड पार्टी का है, और आपने अगर ये चीज़ें अपने पर्सन को समझा दी, उनकी आंखों की पट्टी आपने उतार दी, तो डेफिनेटली आप उन्हें आज़ाद कर ले जाओगे जहाँ से ये चाहती नहीं है कि आपके पर्सन आज़ाद होकर आपकी तरफ बढ़ जाएं। तो वो चीज़ें ये जानती है और इसका ये सोचना है आपको लेकर। ठीक है, स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड के मामले में गाइड कीजिए, बताइए थर्ड पार्टी का व्यूअर्स को लेकर करंट में क्या सोचना है, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। द व्हील एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सोर्स एंड बॉटम ओवरऑल एनर्जी दाई है द हर्मिट। थर्ड पार्टी को आपको लेकर इस तरह का डर रहता है कि जैसे आप अभी अपने आप में रह रहे हो, खामोश रह रहे हो, तो ये एक तूफान के आने से पहले की खामोशी है आपकी तरफ से। यानी कि कहते हैं ना कि वक्त एक जैसा नहीं रहता, 100 दिन अगर इस थर्ड पार्टी के हैं तो एक दिन तो आपका भी आना है, तो उस चीज़ का डर इस थर्ड पार्टी के मन में हमेशा चलता रहता है आपको लेकर। इस थर्ड पार्टी के मन में ये चीज़ें चलती हैं, जैसे आप बहुत मजबूत बनकर दिखा रहे हो, बहुत स्ट्रांग बनकर, बहुत इस चीज़ पर काम भी कर रहे हो, बहुत प्रैक्टिकली अपनी चीज़ों को संभाल रहे हो, फोकस्ड हो, वो चीज़ें ना थर्ड पार्टी को अंदर ही अंदर कमज़ोर कर रही हैं और इस तरह से एहसास दिला रही हैं कि आज तो वक्त मेरे हाथ में है, आज तो वक्त मेरे फेवर में चल रहा है, लेकिन कल को अगर यही वक्त पलट गया तो ये हाथ मलती रह जाएगी, ये अफसोस में रह जाएगी। तो उस चीज़ का डर इस थर्ड पार्टी के मन में आपको लेकर रहता है कि आप इस वक्त में वो समुंदर बने हुए हो जो इस वक्त में पूरी तरह से शांत है, अपने आप में है, लेकिन जिस दिन इस समुंदर में लहरें आई ना, उस दिन ये सब बिखर कर
ले जाएगी। तो वो डर इस थर्ड पार्टी के मन में आपको लेकर चलता रहता है, ये क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मोनोलॉजी से कि मोनोलॉजी आपसे क्या कहना चाहती है, जो भी आप लोगों के बीच में ये चीज़ें आई हैं इस विषय में, तो आपके लिए गाइडेंस के तौर पर और अल्टीमेटली क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिख रही हैं वो देखी जा रही है। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, सरेंडर टू द डिवाइन, एंड बॉटम ऑफ द डेक है बैलेंस स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिलिटी। तो बेसिकली देखो, आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है थर्ड पार्टी इस वक्त में जो भी सोच रही है वो कर गुजरिएगा, एज एन ऐसा ही अपने आप को बना लीजिएगा, बस थोड़ा सा अपने मन को शांत रखिए, ब्रीथ इन एंड आउट यानी कि मेडिटेट कीजिएगा, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिएगा, जो भी सिचुएशन आपकी इस वक्त में चल रही है उसे सरेंडर कर दीजिएगा, और फिर उसके बाद जो थर्ड पार्टी आपको लेकर अभी करंट में सोच रही है ना, वो चीज़ें आप स्टार्ट कर दीजिएगा, यानी कि अपने आप को बहादुर बनाइएगा, बोल्ड बनाइएगा, और अपने आप पर काम कीजिएगा, स्ट्रॉन्ग आप बनाइएगा। बना रखा है तो बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर अभी नहीं बनाया है, अभी बस ऐसे ही बैठे हो, तो फिर करिएगा। तो ये आपसे आज के इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस बोला जा रहा है, ठीक है। चीज़ें आपके फेवर में तो तभी होंगी जब आप उन चीज़ों के लिए अपने आप को स्ट्रांग बनाओगे, अपने आप में आप हिम्मत जगाओगे, तो ये अल्टीमेटली चीज़ें हैं। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, अगर सक्सेस चाहिए तो कॉन्फिडेंट तो होना पड़ेगा, शेर की एनर्जी में या शेरनी की एनर्जी में तो आना पड़ेगा। जिस दिन आप इस एनर्जी में आओगे उस दिन आप डेफिनेटली नया मुकाम हासिल कर लोगे, वही एनर्जी आपको कुछ अचीव कर लेकर दिखाएगी। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, इस टाइम पे वक्त है देने का, समय देने का अपने आप को, वक्त देने का अपने आप को, कॉन्फिडेंट करने का अपने आप को, और फिर डेफिनेटली एनर्जी आपकी एक मुकाम हासिल करेगी। तो ये चीज़ें आपसे क्लियरली यहाँ पर बोली जा रही हैं, ठीक है। तो रिक्वेस्टेड टॉपिक था कि थर्ड पार्टी का आपको लेकर अब करंट में क्या सोचना है। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो आप अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय बाय।